गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईटीआई शीटर एम के माध्यम से ब्लो लैंप के बारे में बताया जाएगा कि ब्लो लैंप क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम ब्लो लैंप बोलते हैं। ब्लो लैंप में मिट्टी के तेल को दबाया जाता है जिससे वह पहले से गर्म हुई नलियों से गुजरता है और भाप बन जाता है। तो ये जो ब्लो लैंप है इसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है और पंप की सहायता से उस मिट्टी के तेल को दबाया जाता है। तो जब ये मिट्टी का तेल दब जाता है तो पहले से गर्म नलियां, तो ये जो इसके अंदर जो पैक होता है नलियां होता है वह गर्म क्यों होता है, तो इसे जलाने से पहले यहां पे आग लगाया जाता है जिससे इसके अंदर जो नलियां है पाइप है वह गर्म हो जाती है। तो दबा हुआ किरासन जब वह गर्म नलियों से गुजरता है तो वह भाप बन जाता है, इसी को हम ब्लो लैंप बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यह ब्लो लैंप है। तो ब्लो लैंप में मिट्टी के तेल को दबाया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं इसके अंदर मिट्टी का तेल भरा जाता है। तो इसमें हम मिट्टी का तेल भरते हैं। और फिर इसे फुल टाइट करें और इस मिट्टी के तेल को ये जो पंप है पंप के द्वारा दबाया जाता है। तो जब ये मिट्टी का तेल हम दबाते हैं तो पहले से गर्म हुई नालियां मतलब ट्यूब, तो यहां हम देख रहे हैं यह ट्यूब है। तो यह क्या होता है, यह पहले से गर्म किया जाता है। तो पहले से गर्म की हुई नालियां में से दबा हुआ मिट्टी का तेल भाप बनकर ये जो नोजल देख रहे हैं नोजल के रास्ते भाप बनकर बाहर निकलता है। तो यहां हम देख रहे हैं जो मिट्टी का तेल है नोजल के रास्ते भाप बनकर बाहर निकल रहा है। मिट्टी तेल का भाप बढ़ती हुई जेट से निकलती है और हवा में घुल जाती है और जब उसे एक नोजल में से सीधे जलाया जाता है तो वह एक शक्ति युक्त माने फोर्सफुल लो में बदल जाती है। तो दबा हुआ जब किरासन नोजल में से निकलता है तो वह भाप के रूप में रहता है और जब उसके नोजल पे जब हम आग लगाते हैं तो वह एक शक्ति युक्त मतलब फोर्सफुल लो में बदल जाता है। दबा हुआ मिट्टी का तेल भाप बनकर आगे बढ़ती हुई जेट से निकलती है और हवा में घुल जाती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो दबा हुआ मिट्टी का तेल ये किरासन तेल है वह इस नोजल के रास्ते आगे बढ़ती हुई निकलती है और फिर हवा में घुल जाती है और जब उसे एक नोजल में से सीधे जलाया जाता है तो वह एक शक्ति युक्त लो में बदल जाती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि मिट्टी का तेल भाप बनकर बाहर निकल रहा है और जब हम इस पे माचिस मारेंगे तो यह जल जाएगा। डिब्बे की आंतरिक लो गर्मी बनाए रखती है और मिट्टी का तेल भाप बनता रहता है। तो इसके अंदर जो यहां देख रहे हैं इसके अंदर जो लो होता है वह पाइप की गर्मी को बनाए रहता है, तो जिस कारण दबा हुआ मिट्टी का तेल लगातार भाप बनता रहता है। ये जो बर्नर हाउसिंग है तो बर्नर हाउसिंग के अंदर जो आंतरिक लो होता है वह गर्मी बनाए रखती है और मिट्टी का तेल भाप बनता रहता है। तो यहां हम देख रहे हैं मिट्टी का तेल भाप बन रहा है। नोजल के बाहर की लो से मतलब लो की गर्मी से सोल्डिंग बिट गर्म होती है। तो ये जो देख रहे हैं लो निकला हुआ है तो यहां पे हम सोल्डिंग बिट को रखकर उसे गर्म करते हैं नोजल के बाहर। तो यहां हम देख रहे हैं यह नोजल है, तो नोजल के
बाहर लोह की गर्मी से सोल्डिंग बिट गर्म होता है, तो ये हो गया नोजल, और इससे जो लोह निकलता है तो उसकी गर्मी से, ये देखिए इसे हम बोलते हैं सोल्डिंग बिट, तो यह गर्म होता है, तो इसे हम इस प्रकार रखते हैं, और इसके नोजल से जो लो निकलता है इससे यह गर्म होता है। तो यहां देखिए कैसे सोल्डिंग आयरन को इस पर रखकर गर्म किया जाता है। वहनीय उपकरण मतलब पोर्टेबल है, मतलब इसे हम उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिसका प्रयोग सीधे गर्मी के स्रोत के रूप में होता है, जिसे सोल्डिंग आयरन या उन भागों को गर्म करने में होता है जिससे सोल्डिंग से जोड़ना होता है, मतलब जिस जॉब को सोल्डिंग से जोड़ना होता है तो इसके द्वारा हम उस पार्ट्स को गर्म कर सकते हैं और साथ ही सोल्डिंग आयरन को। ये जो ब्लो लैंप है यह एक वहनीय उपकरण मतलब पोर्टेबल, मतलब हम इसे कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग सीधे गर्मी के स्रोत के रूप में होता है जिससे सोल्डिंग आयरन, जैसे ये जो देख रहे हैं सोल्डिंग आयरन या उन भागों को गर्म करने में होता है जिससे सोल्डिंग से जोड़ना होता है। चित्र में ब्लो लैंप के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, तो यह चित्र है इसमें इसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया। तो पहले देख ले, यह टैंक है, यह हैंडल है, यह पंप है, यह बर्नर हाउसिंग है, यह सपोर्ट ब्रैकेट है, फिर यह प्राइमिंग टप है, मतलब यहाँ पर एक नाद होता है जिसमें सबसे पहले आग लगाया जाता है, यह फिलर कैप है, और यह प्रेशर रिलीज वाल्व है। ब्लो लैंप में एक पीतल का टैंक होता है जिसमें मिट्टी का तेल भरने के लिए एक फिलर कैप लगा होता है। तो ये देखिए यह एक टैंक है जिसमें मिट्टी का तेल भरने के लिए यहाँ पर ये देखिए फिलर कैप लगा होता है। ब्लो लैंप में एक पीतल का टैंक होता है, तो ये जो देख रहे हैं यह एक पीतल का टैंक होता है और जिसमें मिट्टी का तेल भरने के लिए एक टोपी लगा होता है, तो ये जो देख रहे हैं एक टोपी जिसे हम फिलर कैप भी बोलते हैं लगा होता है, इसको हम खोलते हैं और इसमें मिट्टी के तेल को इसके द्वारा भरते हैं। फिलर कैप के नीचे ही एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है जिससे लो को ऑन ऑफ या नियंत्रण किया जाता है। तो यहां देख ले जो यह फिलर कैप है तो इसके नीचे ही ये देखिए प्रेशर रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व लगा रहता है जिससे हम जो लो है उसे हम ऑन माने ऑफ कर सकते हैं, उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये जो लो है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं माने कम प्रेशर वाला लो भी बना सकते हैं। फिलर कैप, तो ये जो देख रहे हैं यह फिलर कैप है और फिलर कैप के नीचे ही प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, ये जो देख रहे हैं इसी को प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं, तो जिसकी सहायता से हम फ्लेम को ऑन या ऑफ या लो पर नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब ये जो इसका लो है अगर तेजी से जल रहा है तो इसे कम करने के लिए हम इसका प्रेशर को थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसे खोलने पर इसका जो लो है बंद हो जाता है। इसमें एक आग जलाने वाली नाद होती है
जिसमें मिथिलेटेड स्पिरिट भरा जाता है और ब्लो लैंप को जलाया जाता है। तो यहाँ पर एक गड्ढा नुमा नाद होता है जिसमें हम मिथिलेटेड स्पिरिट को भरते हैं। तो इसे क्यों भरते हैं? तो इसे जब हम जलाते हैं तो मिथिलेटेड स्पिरिट से धुआं न के बराबर निकलता है और फिर इस ब्लो लैंप को जलाया जाता है। इस ब्लो लैंप में एक आग जलाने वाली नाद होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह एक नाद है, गड्ढा नुमा नाद है। तो ये देखिए, इसमें भी देख रहे हैं एक गड्ढा नुमा नाद है जिसमें मिथिलाइट स्पिरिट भरा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं मिथिलाइटेड स्पिरिट इस गड्ढा में भरा जाता है और फिर आग लगाया जाता है। जब इस बर्नर को हमें चालू करना होता है तो सबसे पहले इसमें हम इसे भरते हैं। देखिए इसके नाद में हम भर दिए जो गड्ढा है, यहां देखिए ये जो गड्ढा है इसमें हम इसे भरते हैं और फिर इसके बाद इसमें आग लगाते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि यह आग धर चुका है और अब इसका जो नली है यह गर्म होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका नली गर्म हो रहा है और फिर इसे पंप करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ब्लो लैंप जल चुका है। इसमें एक नोजल का सेट होता है जिससे मिट्टी के तेल की भाप को गुजार सके और एक प्रबल लो जला सके। मतलब यहां पर एक नोजल होता है जिससे दबा हुआ मिट्टी का तेल बाहर निकलता है और भाप के रूप में वह निकलता है और फिर उसे हम जलाते हैं। ब्लो लैंप में एक नोजल का सेट होता है। तो यहां हम देख रहे हैं यह ब्लो लैंप है और ये देखिए यह एक नोजल का सेट होता है, ठीक है। तो जिससे मिट्टी का तेल, जो इसके अंदर से मिट्टी का तेल भाप बन के गुजरता है और एक प्रबल लो के रूप में जलता है। तो यहां हम देख रहे हैं जो मिट्टी का तेल है नोजल के रास्ते भाप बनकर बाहर निकल रहा है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक सहारा देने वाला ढांचा पर बर्नर स्थित किया जाता है और इसी बर्नर के आगे सोल्डिंग आयरन को गर्म करने के लिए एक सपोर्ट होता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक सहारा देने वाला ढांचा। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक सहारा देने वाला ढांचा माने सपोर्ट ब्रैकेट है जो किसे सपोर्ट कर रहा, बर्नर को, और बर्नर के ऊपर ही एक सपोर्टर होता है जिस पर हम सोल्डिंग आयरन को रख कर गर्म करते हैं। तो ये जो ब्लो लैंप है तो इसमें एक सहारा देने वाला ढांचा होता है। तो ये जो देख रहे हैं सहारा देने वाला एक ढांचा है जो बर्नर पर स्थित किया जाता है। ये जो बर्नर है इस पर स्थित किया जाता है और इसी बर्नर के आगे सोल्डिंग आयरन। तो ये जो देख रहे हैं ये जो सोल्डिंग आयरन है इसी बर्नर के आगे जो यह सपोर्ट है इस पर रखकर, इस प्रकार हम रखते हैं और इस पर रखकर इसे गर्म किया जाता है। तो यहां देखिए कैसे सोल्डिंग आयरन को इस पर रखकर गर्म किया जाता है।
जो टैंक में भरे मिट्टी के तेल पर दबाव डालता है। तो ये देखिए, यह एक पंप होता है जो टैंक में भरे मिट्टी के तेल पर दबाव डालता है। ब्लो लैंप में एक पंप होता है, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम पंप बोलते हैं, जो टैंक में भरे मिट्टी का तेल, ये जो टैंक है तो इसके अंदर भरे मिट्टी के तेल पर दबाव डालता है। इसके अंदर मिट्टी का तेल भरा हुआ रहता है और इस पर पंप के द्वारा क्या करते हैं, दबाव डाला जाता है।